फ्रेंड्स, हमारी स्किन जो होती है वो हवा में से नमी को एब्जॉर्ब करती है, मतलब कि हवा में जो मॉइस्चर होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन मॉइस्चराइज होती है। लेकिन सर्दियों में तो हवा ही इतनी ज्यादा ड्राई होती है, हवा में बिल्कुल भी नमी नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन को वो मॉइस्चर वो नमी नहीं मिल पाती है और जिसकी वजह से आपकी स्किन काफी ज्यादा डल दिखने लगती है, काफी ज्यादा ड्राई दिखने लगती है, एक अलग ही तरह का कालापन आपके चेहरे पे आ जाता है और ग्लो तो शाइनिंग तो बिल्कुल भी आपके चेहरे पे दिखती ही नहीं है। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जब विंटर चल रही हो, जब सर्दियां चल रही हो, तो आप कुछ ऐसे टिप्स को फॉलो करें जिससे आपके स्किन के अंदर वो ग्लो बना रहे, आपकी स्किन इतनी ज्यादा डल और ड्राई ना हो जाए। इसी के लिए आज मैं आपको सिंपल से 3 ऐसे काम बताने वाली हूँ जो अगर आप कर लोगे तो आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई और डल नहीं होगी, बल्कि बहुत ही अच्छे से ग्लो करने लगेगी। सर्दियों में आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाए रखने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको करना है, आपको लगाना है ग्लोइंग फेस मास्क। कम से कम वीक में 2 बार आपको ये वाला ग्लोइंग फेस मास्क लगाना है, जो हम रेडी करने वाले हैं सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट के साथ। पहला इंग्रेडिएंट है मलाई। मलाई अगर सूट नहीं करती है तो इसकी जगह पे आप रो मिल्क यानी कि कच्चा दूध ले सकते हो। दूसरा इंग्रेडिएंट हम यूज करने वाले हैं वो है केला यानी कि बनाना। आपको एक केले को स्मैश करके उसका पेस्ट बना लेना है, इसको मिक्स करना है मलाई के साथ। अगर रो मिल्क ले रहे हो तो रो मिल्क के साथ मिक्स कर लीजिए, अपने पूरे चेहरे पे लगा लीजिए, सेमी ड्राई होने तक इसको रहने दीजिए और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से आपको अपना चेहरा धो लेना है। इससे बहुत ही बढ़िया वाला ग्लो आपके चेहरे पे आता है, एक इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है और बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। जो दूसरा काम सर्दियों में आपको करना है आपकी त्वचा को चमकदार बनाए रखने के लिए, वो आपको करना है अगर आप साबुन या फेस वॉश से अपना चेहरा धोते हो तो आपको फेस वॉश साबुन से अपना चेहरा नहीं धोना है, इसकी जगह पे आपको ग्लिसरीन से अपना चेहरा धोना है। ग्लिसरीन एक नेचुरल क्लींजर होता है जो बहुत ही गहराई से आपके चेहरे की सफाई करता है। इसके लिए बस आपको एक कॉटन ले लेना है, इसको ग्लिसरीन के अंदर डीप कर लीजिए, फिर इससे अपने पूरे चेहरे पे ग्लिसरीन को लगा लीजिए, 1 मिनट तक ग्लिसरीन को लगा रहने दीजिए और फिर हल्के गुनगुने पानी से अपना चेहरा धो लीजिए। बहुत ही डीपली सारी इम्प्योरिटीज और पॉल्यूशन को क्लीन कर देगा और आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं होने देगा। जो साबुन और फेस वॉश ज्यादातर ड्राई कर देते हैं स्किन को, ये ड्राई तो नहीं ही करेगा बल्कि आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेगा। जो तीसरा काम आपको करना है फ्रेंड्स अपने स्किन को सर्दियों में चमकदार बनाए रखने के लिए, वो आपको करना है अपनी स्किन की ऑयलिंग। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, आलमंड ऑयल यूज कर सकते हो, ऑलिव ऑयल को यूज कर सकते हो या फिर आप ग्लिसरीन को भी यूज कर सकते हो। इनमें से कोई भी ऑयल का यूज आप कर सकते हो, इनमें से कोई भी ऑयल सिलेक्ट कीजिए। इससे अपने चेहरे पे, हाथों पे हल्के हाथों से मसाज कीजिए सर्कुलर मोशन में, इससे आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, आपकी स्किन को हेल्दी और मॉइस्चराइज बनाए रखेगा। और इन्हीं ऑयल का यूज आप अपने लिप्स पे भी कर सकते हो, जिससे आपके लिप्स भी प्रॉपरली मॉइस्चराइज रहे और बिल्कुल भी ड्राई ना हो। तो बस ये आसान से 3 काम है जो अगर आप इन सर्दियों में कर लोगे तो आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई और डल नहीं होगी, बल्कि बहुत ही बढ़िया वाला ग्लो आपके चेहरे पे आएगा, एक अलग ही तरह की शाइनिंग आपके चेहरे पे आती है। तो जरूर से ये बहुत ही आसान 3 काम है, जरूर से आप फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही नेचुरल स्किन केयर रेमेडीज आप आगे भी देख पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू सून।